HTML फॉर्म्स का फिफ्थ पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेलेक्ट एलिमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट, सेकंड टॉपिक आज का हमारा है एट्रीब्यूट्स ऑफ सेलेक्ट एलिमेंट, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है लेबल टैग। तो आइए बच्चों इसको हम डिटेल में देखते हैं। सेलेक्ट एलिमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट, ए ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम विच अ यूजर कैन सेलेक्ट एन आइटम। बच्चों ड्रॉप डाउन लिस्ट डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्प्ले करता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसमें से यूजर अपने अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस को चूज कर सकता है। द सेलेक्ट टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ सिलेक्शन लिस्ट इन अ फॉर्म। बच्चों सेलेक्ट टैग का यूज सिलेक्शन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ए लिस्ट इज क्रिएटेड यूजिंग टू टैग्स। बच्चों जब आप लिस्ट क्रिएट करते हो तो उसके लिए हम लोग दो टैग का यूज करते हैं, पहला टैग होता है सेलेक्ट टैग और दूसरा होता है ऑप्शन टैग। सेलेक्ट टैग क्या होता है देखिए, सेलेक्ट टैग डिफाइन अ लिस्ट, सेलेक्ट टैग का यूज करके आप अपने लिस्ट को डिफाइन कर सकते हो। और दूसरा होता है ऑप्शन टैग, डिफाइन पॉसिबल ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम लिस्ट बॉक्स। बच्चों ऑप्शन का यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को अपने लिस्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हो। आइए बच्चों इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहां पे देखिए HTML हेड टाइटल यूजिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, फॉर्म एक्शन इक्वल टू एक्शन फॉर्म डॉट HTML। यहाँ पे दिया है H3 सेलेक्ट योर राइट डेस्टिनेशन। बच्चों हेडिंग टैग का थर्ड लेवल हमने इसके अंदर यूज किया है सेलेक्ट योर राइट डेस्टिनेशन, और लास्ट में H3 को मैंने क्लोज किया है। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देखिए सेलेक्ट योर राइट डेस्टिनेशन आपको दिख रहा होगा। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट नेम इक्वल टू सिटीज, सेलेक्ट टैग के अंदर आपके नेम एट्रीब्यूट को यूज किया गया है यहाँ पे, जिसका नाम रखा है सिटीज। और ऑप्शंस में कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन इसके अंदर यूज किया गया है दिल्ली का, ऑप्शन दिल्ली, ऑप्शन क्लोज, ऑप्शन लखनऊ, ऑप्शन क्लोज, नेक्स्ट वैल्यू देखिए ऑप्शन कोलकाता, ऑप्शन क्लोज, ऑप्शन मुंबई, ऑप्शन क्लोज, और लास्ट में सेलेक्ट टैग क्लोज किया गया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी और लास्ट में इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट है, फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो बच्चों इस तरीके से सेलेक्ट एलिमेंट और ऑप्शन एलिमेंट का यूज करके हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए एट्रीब्यूट्स ऑफ सेलेक्ट एलिमेंट। बच्चों सेलेक्ट एलिमेंट में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज कर सकते हैं उसकी ये लिस्ट है। आइए देखते हैं फर्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा है हमारा। फर्स्ट एट्रीब्यूट देखिए बच्चों यहां पे नेम एट्रीब्यूट, सेट एन इंटरनल नेम फॉर ड्रॉप डाउन मेनू। बच्चों नेम एट्रीब्यूट का यूज करके आप अपने सेलेक्ट टैग के लिए एक इंटरनल नेम असाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो वैल्यू होगी आपके लिस्ट की वो आपके सर्वर तक सेंड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखिए साइज, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ विजिबल आइटम्स इन ड्रॉप डाउन लिस्ट व्हेन यूजर क्लिक ऑन इट। बच्चों ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करके आप अपने लिस्ट के अंदर कितने ऑप्शन डिस्प्ले कराना चाहते हैं ये हम लोग साइज एट्रीब्यूट का यूज करके डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे आपने दिया है साइज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिस्ट आपकी डिस्प्ले होगी आपके स्क्रीन के ऊपर दो ही ऑप्शन हमारे सामने डिस्प्ले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखिए मल्टीपल, इंडिकेट्स मल्टीपल ऑप्शंस दैट कैन बी सेलेक्टेड विद इन द लिस्ट। बच्चों मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज करके आप अपने लिस्ट के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस को डिस्प्ले करा सकते हैं, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस को आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट बच्चों देखिए डिसेबल्ड, इंडिकेट्स दैट ड्रॉप डाउन लिस्ट शुड बी डिसेबल्ड। बच्चों अगर आप सेलेक्ट के साथ डिसेबल्ड ऑप्शन को यूज करते हैं तो जो आपकी लिस्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी ठीक है वो डिसेबल रहेगी। बच्चों नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखिए ऑटो फोकस, इंडिकेट्स दैट द ड्रॉप डाउन लिस्ट शुड ऑटोमेटिकली गेट फोकस व्हेन द पेज लोड्स। बच्चों अगर आपने सेलेक्ट के साथ ऑटो फोकस का यूज किया है तो जैसे ही आपका पेज आपके ब्राउजर के अंदर ओपन होगा तो आपकी लिस्ट एक्टिव हो जाएगी, और एक्टिव होने के बाद आप अपने कीबोर्ड से अप एरो या डाउन एरो की का यूज करके भी आप अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो, या माउस का यूज करके भी आप अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट एट्रीब्यूट सेलेक्ट का है बच्चों रिक्वायर्ड, इंडिकेट्स दैट द यूजर इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वैल्यू बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। बच्चों अपने फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपको अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपने ऑप्शंस को
सेलेक्ट करना होता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज किया हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए लेबल टैग। द लेबल टैग डिफाइंस लेबल्स फॉर द इनपुट फील्ड एंड टेल्स यूजर्स अबाउट द वैल्यू टू बी इंटर्ड इन द इनपुट फील्ड। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए लेबल टैग। द लेबल टैग डिफाइंस लेबल्स फॉर द इनपुट फील्ड्स एंड टेल्स यूजर्स अबाउट द वैल्यू टू बी इंटर्ड इन द इनपुट फील्ड। बच्चों लेबल टैग का यूज हम लोग करते हैं इनपुट फील्ड्स के लिए लेबल डिफाइन करने के लिए कि किस तरह का डेटा इसके अंदर एंटर होना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम टाइप करना है, यहाँ पे लेबल हमको दिया है लास्ट नेम तो यहाँ पे हम लास्ट नेम टाइप करेंगे। तो लेबल अगर हमको डिफाइन करना होता है तो वहां पे हम लोग लेबल टैग का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए HTML है टाइटल क्रिएटिंग फॉर्म, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, फॉर्म एक्शन इक्वल टू एक्शन फॉर्म डॉट HTML, फर्स्ट नेम यहाँ पे दिया है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू एफ नेम, और उसके बाद BR टैग का यूज किया गया है। बच्चों यहाँ पे हमने लेबल टैग का यूज नहीं किया है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लेबल टैग का यूज किया है और लिखा है लेबल लास्ट नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू एल नेम, और इसके बाद लेबल टैग को क्लोज किया गया है और BR टैग का यूज किया गया है। ठीक है अब बच्चों यहाँ पे लेबल मैंने दिया है और फर्स्ट नेम में लेबल हमने नहीं दिया है। इसमें लेबल देने से क्या होगा बच्चों, अगर आप लास्ट नेम के ऊपर भी क्लिक करते हैं तब भी आपका कर्सर इसके अंदर डिस्प्ले कर जाएगा, लेकिन फर्स्ट नेम में मैंने लेबल डिफाइन नहीं किया है, इसलिए जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है आगे देखिए बच्चों जेंडर। जेंडर के नीचे देखिए लेबल फॉर मेल, यहाँ पे मेल लिखा है, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, आईडी इक्वल टू मेल। बच्चों अगर रेडियो बटन या चेकबॉक्स के साथ आप लेबल यूज करते हैं तो वहां पे हमको आईडी का यूज करना पड़ता है, एक आईडी हमको यहाँ पे डिफाइन करना होता है, उसके बाद फॉर के साथ इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है यहाँ पे देखिए लेबल फॉर मेल, क्योंकि आईडी में यहाँ पे आपने मेल को डिफाइन किया है तो यहाँ पे मैंने इसको मेल को कॉल किया है, उसके बाद उसका नाम रखा गया है मेल और इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो है, इंटरनल नेम इसके साथ जेंडर डिफाइन किया गया है। ऐसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे लेबल फॉर इक्वल टू फीमेल है, यहाँ पे फीमेल लिखा गया है, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो है, नेम मैंने जेंडर रखा है और इसका एक आईडी डिफाइन किया गया है फीमेल के नाम से, इसके बाद BR टैग का यूज किया गया है। फिर लास्ट में इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट है, बॉडी क्लोज, फॉर्म क्लोज, HTML क्लोज। बच्चों यहाँ पे लेबल डिफाइन करने से ये होगा कि जैसे ही आप मेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो रेडियो बटन है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, या अगर आप फीमेल के ऊपर क्लिक करते हैं ये फीमेल वाला जो रेडियो बटन है ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है इसके ऊपर भी क्लिक करके आप इस रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट इसके ऊपर भी क्लिक करके आप रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है तो आइए बच्चों इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। एक बार हम आते हैं नोटपैड के अंदर, यहाँ पे हम साइज एट्रीब्यूट को एक बार यूज करके देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा साइज इक्वल टू, मैंने लिखा 2। ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी इसमें हमको दो ऑप्शंस डिस्प्ले होने चाहिए। तो आइए ब्राउजर में चलते हैं, तो ब्राउजर में आने के बाद इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको दो ऑप्शन डिस्प्ले हो गया। यही चीज यहाँ पे आके साइज के सामने अगर आप यहाँ पे 3 टाइप करते हैं और यहाँ पे फाइल को सेव करिए और सेव करने के बाद अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन दिख गया। ठीक है आइए बच्चों हम सेलेक्ट एलिमेंट का नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम है मल्टीपल, और यहाँ पे मल्टीपल लिखने के बाद हम अपनी फाइल को सेव करेंगे और सेव करने के बाद अपने ब्राउजर में चलते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं आपके लिस्ट के अंदर, और अगर आप इसमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन को दिल्ली को सेलेक्ट किया और सेकंड जो हमारा ऑप्शन है वो कोलकाता हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है तो कोलकाता के ऊपर अगर आपको क्लिक करना है तो कंट्रोल वाली बटन को आपको प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद कोलकाता के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है और क्लिक करने के बाद आप सबमिट बटन पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है तो बच्चों इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आइए बच्चों हम सेलेक्ट का नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम है डिसेबल्ड, और अपनी फाइल को यहाँ पे हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए आपका जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो चुका है। ठीक है अगर हम अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट को डिसेबल करना चाहते हैं तो हमें नोटपैड के अंदर आना है और अपने स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे डिसेबल्ड लिखना है और अपनी फाइल को सेव करके रिफ्रेश कर देना है। ठीक है आइए बच्चों हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट को यहाँ पे यूज करते हैं रिक्वायर्ड, और यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपनी फाइल को सेव करना है और सेव करने के बाद यहाँ पे आपको रिफ्रेश कर देना है।
बच्चों, आपने अगर अपने फॉर्म को बिना ऑप्शन को सेलेक्ट किए ही सबमिट बटन पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे लिख के आएगा प्लीज सेलेक्ट एन आइटम इन द लिस्ट। आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि आपने अपने स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे रिक्वायर्ड ऑप्शन को यूज किया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हम सेलेक्ट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को अपने फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। HTML है टाइटल क्रिएटिंग फॉर्म टाइटल क्लोज देन हेड क्लोज बॉडी फॉर्म एक्शन इक्वल टू एक्शन फॉर्म डॉट HTML फर्स्ट नेम। बच्चों इसके साथ हमने लेबल टैग का यूज नहीं किया है, हमने इसको सिंपल यूज किया है फर्स्ट नेम। देन इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू एफ नेम इसका दिया गया है, उसके बाद BR टैग को हमने यूज किया है। और नीचे आते हैं तो इसमें लास्ट नेम के साथ हमने लेबल टैग को यूज किया है। देखिए लेबल लास्ट नेम इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू एल नेम, देन लेबल क्लोज, उसके बाद BR टैग का यूज किया है। फिर उसके बाद बच्चों हम जेंडर पे आते हैं तो जेंडर के नीचे दो बार हमने BR टैग को यूज किया है, उसके नीचे लेबल यूज किया गया है। देखिए लेबल के साथ हमने फॉर एट्रीब्यूट को यूज किया है। बच्चों आप चेकबॉक्स या रेडियो बटन जब आप यूज करते हैं तो उसके साथ हमको आईडी यूज करना होता है, तो आईडी में बच्चों यहाँ पे हमने मेल लिखा है और इसी मेल को हमने फॉर के साथ कॉल कर लिया है। ऐसे ही लेबल फॉर इक्वल टू फीमेल यूज किया गया है, तो देखिए यहाँ पे हमने आईडी में फीमेल यूज किया है तो इसी फीमेल को हमने लेबल के साथ कॉल कर लिया है। ठीक है, उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट देन फॉर्म क्लोज बॉडी क्लोज HTML क्लोज। बच्चों आइए इसको ब्राउजर के अंदर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बच्चों आप ये चाहते हैं कि लेबल के ऊपर अगर हम क्लिक कर दें तब भी हमारा कर्सर हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर हो जाए, या डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करें तब भी हमारा कर्सर जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमको लेबल टैग का यूज करना होता है।